वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू सक्सेस मंत्रा बाय जय मलिक. टुडे फिस्कल पॉलिसी में रिसीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट टू हम करेंगे. रिसीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या हम यूं कह सकते हैं कि रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, सरकार की कहां से आमदनी होती है और उसको कैसे खर्च किया जाता है, ये सब आज हम इस चैप्टर में करेंगे. तो आइए लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले क्या होता है कि रिसीट या रिसीट्स क्या होते हैं और प्राप्तियां, सरकार को इनकम कहां से होते हैं, कहां से इनकम की प्राप्तियां होती हैं, ये हम करते हैं. तो नंबर एक, रिवेन्यू रिसीट्स ये क्या होते हैं और इसका क्या सोर्स है. नंबर एक, टैक्सेस, लेवीज के बाद फीस एटसेट्रा, ये सरकार टैक्सेस से अपनी आय करती है. तो टैक्सेस, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बताया था, और लेवी लगाते हैं, फीस मिलती है. तो ये सोर्स है इनकम का. तो इसको ये कहा जाता है रिवेन्यू रिसीट्स, ये प्राप्तियां हैं, ये है टैक्सेस की. और दूसरी है नॉन टैक्सेस. अब नॉन टैक्सेस में हम क्या क्या करेंगे. नॉन टैक्सेस में देखिए, एक तो आपका इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, और रेलवेज के बाद मेट्रो एटसेट्रा. तो ये नॉन टैक्सेस है, इसलिए इनकम होती है. तो ये रिसीट, दूसरी इस तरह की काफी हमारे सरकार के सोर्सेस हैं. और तीसरा, सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं, वो प्रोवाइड करती है, तो उससे रिसीट गवर्नमेंट की इनकम होती है. फिर फोर में है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, ये भी सरकार की इनकम है. और प्रॉफिट, क्योंकि हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्रॉफिट भी देती हैं, तो प्रॉफिट वगैरह आ गया. गिफ्ट्स है, डोनेशन है, एटसेट्रा. इस तरह ये रिवेन्यू रिसीट है. और इसकी पहचान कैसे है कि ये रिवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट में जाएगी. तो रिवेन्यू रिसीट की क्या पहचान है कि एक तो ये जो रिसीट है इसमें ये बार बार होती हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन. दूसरे, किसी ऐसी इनकम नहीं होती जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, वो इनकम इसमें नहीं आती. नो डिसइन्वेस्टमेंट, बेचकर संपत्ति से आए इसमें नहीं आती. तो एक जैसे हम किसी कंपनी को, किसी बैंक, सरकारी उपक्रम को, या इनको अगर बेच दें, डिसइन्वेस्ट करें,
तो वो इनकम इसमें नहीं आएगी। तो इसमें क्या आएगी, जो बार बार होने वाली इनकमें आएंगी, और जैसे टैक्स लेवी फी एटसेट्रा, ये टैक्सेस से आएगी। नॉन टैक्सेस में इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इंडस्ट्री, रेलवे, मेट्रो, इस तरह और सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, प्रॉफिट है, गिफ्ट है, डोनेशन, कई बाहर विदेशी डोनेशन भी मिल जाता है, तो ये सब इसमें रिवेन्यू रिसीट में आएगा। और इसको, इसकी पहचान क्या है, किसी संपत्ति को अगर बेचते हैं तो वो इसमें नहीं आती है, तो रिवेन्यू रिसीट ये है। दूसरा है कैपिटल रिसीट, किसे कहेंगे, कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्तियां, ये क्या होती हैं, इसका सोर्स क्या है, मेन सोर्स है बोरोइंग्स, बोरोइंग्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, कोई भी बोरोइंग, ये सब इसका पार्ट है, कितनी भी बोरोइंग है वो इसका पार्ट है। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स की जो रिकवरी है वो कैपिटल रिसीट का पार्ट है। तीसरा अदर रिसीट्स होती हैं हमारे यहां, अदर रिसीट्स में जैसे आपका पीएफ इस बात का है, क्योंकि फॉर इस सर्टेन पीरियड के लिए पीएफ होता है और इसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है, पीएफ है, पीपीएफ है, एनएससी, केवीपी, इस तरह की जितनी भी ये डिपॉजिट हैं और वो सब इसमें कैपिटल रिसीट में आती हैं। इनको कुछ समय बाद वापस लौटाना होता है। और एनआरआई, जैसे एनआरआई डिपॉजिट्स, इनकी जो प्राप्ति है वो कैपिटल रिसीट्स में आती हैं। कैपिटल रिसीट बोरोइंग होगी, जो भी हम बोरो करते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, देशी विदेशी, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट, पीएफ, एनएससी, केवी, एनआरआई डिपॉजिट। तो इसको, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, एक तो इसका ये है कि ये वापस करना पड़ता है, ये फंड ब्याज के साथ वापस करना होता है, ये इसकी पहचान है। दूसरे इसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट भी आती है, इनकम, अच्छा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो संपत्ति बेचकर करते हैं, वो भी इसका कैपिटल रिसीट है। और इससे आप देखोगे, जब कैपिटल आएगी, कैपिटल आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, लायबिलिटी का पार्ट है, और जब ये बढ़ती है तो इससे क्या होता है, इससे कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे कैपिटल बढ़ेगी इन चीजों से, तो ये एक लायबिलिटी है, इससे लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसकी तीन पहचान है, नंबर एक वापस करना होता है, इसका डिस इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ये तीन चीज है जो कैपिटल रिसीट्स को बताती है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इसको कैसे पहचाने कि ये पैसा कहाँ जाएगा। रिवेन्यू रिसीट का पता लग गया, कैपिटल रिसीट ये है। तीसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जिससे कोई
assets creation न हो, जिसे एसेट क्रिएशन न हो, या बार बार होने वाले खर्चे, ये इसकी पहचान है। जो बार बार खर्चे होंगे तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। और जैसे जनरल सर्विसेज गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की जनरल सर्विसेज होती हैं, जैसे सैलरी पे करते हैं, सैलरी है, पेंशन है, वेलफेयर फैसिलिटीज, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इंटरनल सिक्योरिटी होती है, जैसे उसके लिए जो खर्चा होता है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटीज, और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अलाउंस देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जैसे, और दूसरे हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये जो दी जाती हैं, और गवर्नमेंट गिफ्ट्स, ये जो खर्चे हैं इस तरह के। जैसे इसके अलावा कुछ स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आयुष्मान, भारत योजना, और मनरेगा वगैरह, अनेकों योजनाएं हैं जो भारत सरकार जिस पर खर्च करती है। ये बार बार खर्चे होते हैं, इसे एसेट्स क्रिएट नहीं होती, तो इनको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड में ले जाया जाता है। और इसके साथ साथ दूसरा क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, जैसे रोड रिपेयर, रोड्स का रिपेयर है, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर्स का रिपेयर है, ये जितने भी इस तरह के खर्चे हैं एटसेट्रा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। और इसके साथ एक और है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ऑफ लोन्स, गंगा यमुना सफाई पर खर्च इत्यादि, ये सब खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में आते हैं, क्योंकि ये कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करते और बार बार होने वाले खर्चे हैं, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब फोर्थ, चार ही ऐड होते हैं, ये रिसीट थी, और ये जो यहां से है, ये इसको एक नंबर दे देंगे और इसको दो, ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर ऐड है, ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, इसकी क्या पहचान है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कैपिटल,
क्योंकि कैपिटल से एसेट्स क्रिएट होती है, इसलिए इसको ये इसको इसलिए इसकी पहचान एक बार के खर्चे होते हैं। अगर कोई एक एसेट खरीदी तो एक बार के खर्चे बार बार के नहीं होते, खर्चे होते हैं और एसेट क्रिएट होती है, क्रिएशन ये इसकी पहचान है। एक तो एक बार के खर्चे, दूसरा एसेट क्रिएशन जरूर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स, स्कूल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, स्कूल्स, ब्रिजेस, इस ब्रिजेस वगैरह, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक, ट्रैक, ये इसे एक एसेट क्रिएट होती है इस टाइप के खर्चे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लेकिन बट वेजेज पेड टू लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक एटसेट्रा ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रहे। क्योंकि रोड स्कूल इससे एसेट क्रिएट हुई, और लेकिन हम कंस्ट्रक्शन करते हैं रेलवे ट्रैक और उसको वेजेस देते हैं लेबरर को फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक तो ये हो गया, और एक क्या है, जैसे पेमेंट ऑफ जो हमने बोरोइंग की है, जितनी भी बोरोइंग है नेशनल इंटरनेशनल, उनकी पेमेंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, क्योंकि उधार वापस करना है। इसकी क्या पहचान है, ये वापस करने होते हैं जितने, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, पेमेंट ऑफ ऑल बोरोइंग्स। तो इससे क्या होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये चार ऐड है, तो जैसे रेवेन्यू रिसीट, और फिर कैपिटल रिसीट क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो साथियों ये चार चीजें हैं जो हमारे रिसीट और एक्सपेंडिचर या डिस्ट्रीब्यूशन, सरकार जैसे जैसे उसका लोकेशन करती है। तो ये मेरा पॉइंट्स था। तो इसके बाद हम चैप्टर करेंगे पार्ट थ्री में कि वो फंड्स तीन कौन से अकाउंट्स हैं जहां पर सरकार उस पैसे को रखती है, जैसे कंसोलिडेट फंड, पब्लिक फंड का, और कंटिजेंसी फंड। तो ये अगले चैप्टर में करेंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर। बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।